गेंद से खेलना किसे पसंद नहीं? शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने बचपन में गेंद से या गेंद वाली गेम्स ना खेली हो। और आज हम इसी गेंद को बनते हुए देखेंगे और जानेंगे कि गेंद इतनी गोल कैसे बनती है और इतनी क्यों उछलती है। हम देखने जा रहे हैं एक रबड़ बॉल को बनते हुए। रबड़ बॉल रबड़ से बनता है और फिर उसमें अन्य केमिकल्स मिलाकर कच्चे रबड़ को बनाया जाता है। इस कच्चे रबड़ को बॉल मेकिंग फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर चपटा बनाने के लिए मशीन द्वारा दबाया जाता है। फिर कंपाउंडिंग नाम के एक मिक्स्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए इसे चॉक पाउडर के साथ मिला दिया जाता है। गेंद में दो स्तर होते हैं। अंदर वाले स्तर में रंग नहीं मिलाया जाता, पर बाहर वाले स्तर में जरूरत अनुसार रंग मिलाया जाता है। मनचाहे रंग पाने के लिए उस प्रकार के रंगीन चौक का इस्तेमाल किया जाता है। निरंतर दोहराई जाने वाली इस प्रक्रिया से कंपाउंडिंग फैल जाता है और रबड़ की तरह उत्तम बन जाता है। अब दोनों लेयर्स को मिलाया जाता है जिससे शीट्स बनते हैं। इस समय काफी मात्रा में गर्मी पैदा होती है और इसलिए इसे ठंडा करने के लिए इसमें पानी उंडेला जाता है। इन शीट्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसे अनक्योर्ड रबड़ कहते हैं। इन दो टुकड़ों के बीच एक सफेद पेस्ट लगाया जाता है। इस सफेद पेस्ट में अमोनियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड और क्लोराइड नाइट्रेट मिला हुआ होता है और फिर इन टुकड़ों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन अनक्योर्ड रबर्स को इनके अंदर मौजूद रसायन के साथ होल्डर में लोड करके क्योरिंग चेंबर में डालकर एक दबाव के साथ गर्म किया जाता है। क्योरिंग चेंबर वो जगह है जहां गर्म दबाव के कारण इसमें का सफेद मिश्रण हवा में बदल जाता है और फिर अंदर की गर्मी द्वारा पैदा हुई हवा के कारण होल्डर में ये अनक्योर्ड रबर एक बॉल के आकार में फूल जाता है और आखिर में ठंडा होकर ये एक बॉल का रूप ले लेता है। इसके बाद होल्डर्स को क्योरिंग चेंबर से निकाल दिया जाता है और उनमें से गेंद अलग कर दी जाती है। फिर इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ से जाती है ये गेंद सीधा दुकानों में, जहाँ से हम इन्हें खरीदते हैं और फिर लग जाते हैं हम इसके साथ खेलने में। देखिए तो बॉल कैसे उछल रही है। हवा में काफी इलास्टिक एनर्जी होती है। जब आप गेंद को जमीन पर उछालते हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी उसे नीचे खींचती है और फिर गेंद के अंदर की हवा की इलास्टिक एनर्जी उसे फिर ऊपर फेंकती है और इस तरह एक गेंद जमीन पर बाउंस होती रहती है।